न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के दो युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। आप लोगों ने देखा होगा जब ओम शांति हम कहते हैं ना, तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, जैसा शब्द बोलो ना शब्द यहां से निकलेगा चेहरा बताएगा, खुशी भी चेहरे से पता चल जाता है, और जरा सा कम खुशी वो भी चेहरे से पता चल जाता है।
तो शांति और अशांति, आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। नहीं है तो भी नहीं पता, इसमें भाषा की शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु चेहरा बता देता है। तो आज मुझे पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस में कितनी पावर है, तो पहले जहां से पावर मिलती है वो साइलेंस क्या है, चुप चुप करके बैठ जाना, तो ऐसे हम बैठ जाएंगे तो मन तो कई बातें सोचने लग पड़ता है सारा दिन, बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक बातों में चली जाती है, पास्ट में प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ तो भी सोचते कई बातें हैं, फ्यूचर का वक्त ख्याल आ जाते हैं, तो साइलेंस कैसे होंगे। मैं आप अपने आप से पूछो, रियली जो साइलेंस है जिसमें पावर मिलती है, वो मेरे पास ऐसी कला हो जो मैं साइलेंस से पावर खींचूं, तो पहले साइलेंस कैसे आए मेरे पास। तो अनुभव से कहते हैं जब अंदर से खींच होती है, मुझे साइलेंस में जाना है, तो कुदरती आवाज अच्छा नहीं लगता है। आवाज भी तीन प्रकार के होते हैं, एक आवाज होता है जैसा सामने वाला होता है, जैसा दुनिया की बातें होती है, जैसे अपने विचार होता है उसी अनुसार आवाज में बहुत भाव मिक्स होते हैं, जेलिसी मिक्स होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज, कुछ बातें कहीं मिक्स होती है आवाज में, उसे मजा नहीं है, अशांति आती है। तो ऐसा आवाज में हम ना आए जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के स्वार्थ या झूठ भरा हुआ हो, वो आवाज कभी शांत होने देगा नहीं, साइलेंस में जाने नहीं देगा। दूसरा आवाज है, ऐसा नहीं है पर तो इतना मीठा, इतना समझ का, जो किसके दिल को बिल्कुल जो दुख हो मिट जाए या संशय हो चला जाए या कंफ्यूजन हो खत्म हो जाए। तो मैंने जो साइलेंस में पहले अनुभव किया, तो तीन बातें इंसान के अंदर होती है, या मनुष्य मूंझा हुआ होता है, या भटका हुआ, भटकी हुई है, या मूंझी हुई है, और या कोई संसार में रहने का मतलब नहीं सिद्ध होता है, लाइफ क्या है उसका कोई सामने कोई अपने लिए कोई सुंदर दृश्य नहीं नजर आता है। तो ये तीन बातें कईयों को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अधीनता बहुत, या किसका कोई सहारा चाहिए,
थोड़ा सहारा कोई छूटता है तो बेसहारा महसूस होता है, शरीर ठीक नहीं है तो भी समझते क्या बीमारी लगी है मेरे को, या धन नहीं है तो भी समझते अभी क्या लाइफ है, मैं क्या करूं धन के बगैर, या संबंध में कोई प्रेम नहीं है तो भी अंदर लाइफ संबंध में भी ऊपर ऊपर का है, अंदर सच्चा नहीं है, तो ये सब बातें अंदर जो भरी पड़ी है वो हमको ऐसे लगे जैसे क्या है, क्वेश्चन उठता है पर जवाब कहीं से मिलता नहीं है। तो जब आप लोगों जैसे आत्मा का और परमात्मा का और कर्म का तीनों बातों की जब समझ आई तो सब बातें समाप्त। पूछो अपने आप से ऐसे हुआ है, न हुआ हो तो ये तीनों बातें हैं, हर बात का पहले मैं कौन, तो अंदर गए अपने आप को देखा, तो अंदर अपने आप को देख जाना, देखा बना अपने आप को समझा मैं कौन हूं। तो जो बाहर की बातें सब अंदर थी उसको अंदर की समझ की शक्ति से वो मूंझना, घबराना, डरना, भटकना वो सब छूट गया। तो समझने मैं कौन हूं, बुद्धि जो बाहर भटकी हुई थी या देह अभिमान के वश थी, ईर्ष्या के वश थी, उसे फ्री हुई। तो मन को एक अच्छा खुराक मिली, अच्छा सोचने की, बुद्धि ने समझा मन को खुराक मिली है। जब परमात्मा का ज्ञान ऐसे के अंधे को आंख मिल गई परमात्म ज्ञान से, असली आत्मा का जो परमात्मा के साथ अनादि कनेक्शन है, शरीर के साथ जितने जन्म लिए हैं उतने संबंधी उतना शरीर के साथ पाठ बजाने में अनेक संबंध हुए हैं और हर एक जन्म में अपनी अपनी बात, तो वो तो वैरायटी अनेक है, अनगिनत है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ तो जो अंधेरा चला गया रोशनी आ गई, जैसे अंधे को आंख मिली या अंधेरा चला गया, इसको कहते परमात्मा की लाइट आ गई, समझ से आई मेरा कौन, वो मैं कौन, वो मेरा कौन, मैं में मैं अंदर गई मैं कौन, मेरा कौन तो ऊपर चली गई। पहले मैं कौन, मैं शरीर, मेरा कौन ये सब दुनिया के पदार्थ, इसलिए बुद्धि भटकी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए सच्चाई नस्वार्थ भावना खत्म हो गई थी मेरे से भी और मेरे को औरों से भी व्यवहार में खत्म हो गई थी। अभी अंदर की आंख खुली, परमात्मा से समझ मिली तो मैं कौन, मेरा कौन,
उसने हमको पीसफुल बना करके, लवफुल बना करके, तो मैं कौन तो पीसफुल हो गई, बाप कौन, तो बाप ऐसा है सर्व संबंधों की उसमें सैक्रीन है, परमात्मा सत्य है, उनसे जो प्यार मिलता है वो सत्य है, आत्मा उस प्यार के बिगड़ बहुत परेशान दुखी अशांत थी, भले दुनिया के हजारों पदार्थ हो पर जब दुख तकलीफ आती है कोई मदद नहीं करता है, जब परमात्मा मेरा हो गया, मैं उसकी आत्मा उसको पहचान करके उनके कनेक्शन जुटा तो लाइट आ गई है, आत्म ये पता चला आत्मा का रहने का स्थान ये है। इस दो नेत्र से हम इसको और दुनिया को देखते थे, अभी इससे भले ये खुला है ना तो इससे भी देखते हैं ना, तो दुनिया को नहीं देखते हैं, किसी के शरीर को नहीं देखते, उनके अंदर जो आत्मा है ना उसको देखते हैं, देखेंगे तो ना आंखों से, पर ये तीसरा नेत्र जो खुला तो दृष्टि का आधार है वृत्ति, और अंदर की फीलिंग अनुसार हमारी वृत्ति की दिल में फीलिंग भी ऐसी, भावना भी ऐसी होती है, तो भावना वृत्ति फिर दृष्टि से। अभी बहुतों को ये हमको सुनने को मिलता है या आने से बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा भी क्वेश्चन क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, खाने के लिए रहने के लिए स्थान, दुनिया भर भी, दुनिया भी हमने देखी बहुत अच्छे अच्छे स्थान है, इतने हम भाग दौड़ करके यहाँ पहुंचना कौन सी आकर्षण या खींच के लाई है, जो कहीं से न मिली है वो यहां से मिली है, न मिली है तो ये देख लेना और कोई स्थान नहीं है, जहां पांच चीजें है ही है, अपने आप वो हर जो इंसान की आत्मा है ना, पशु को भी वो फीलिंग आती है, कौन सी पांच बातें हैं, प्यूरिटी, सबका ध्यान है, कोई इम्प्योर हमारे पास संकल्प भी नहीं आ सकता, न वाणी न कर्म, प्यूरिटी में ऑनेस्टी भी है, एक पवित्रता, दूसरा ईमानदारी, वफादारी भी है, तो प्यूरिटी बड़ी मीठी प्यारी लगती है, कोई धोखा नहीं है, पर समझ है, कर्म में रहें संबंध में रहें, पर रूहानियत तक के शक्ति से परमात्मा ने जो समझ दी है उसके आधार से प्यूरिटी में पावर है, तो प्यूरिटी है तो पीस है, अशांत होने कोई बात नहीं है, और शांति तभी है जो हर एक को धीरे से काम काम लेना है, काम करना है तो भी पेशेंस हमारे पास होगा तो पीस होंगे, इसलिए पीस है। तीसरा
लव क्या चीज होता है पता चलता है यहां बैठे। मैं भी जब पहले बारी आई थी ये 65 पहले 63 साल पहले की बात करती हूँ, वैसे कोई हम कोई प्यार की या संसार में लौकिक रूप से कोई कमी नहीं थी, परंतु यहाँ के प्यार में एक अलौकिकता बड़ा अंदर से ईश्वर से सिने कैसे खींचना चाहिए वो वातावरण से वो समझ मिली, जिस कारण बुद्धि ने निर्णय किया अभी ये तुम ठीक, जो तुम्हारे अंदर की बहुत काल की भावना है वो पूरी हो रही है, समझ से भावना, ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है फिर भूल जाऊं, नहीं ऐसी फीलिंग। तो प्यार में सच्चाई है, प्यार में रूहानियत है, प्यार पे समझ दे रहा है, प्यार जैसा भगवान की तरफ से सच्चा प्यार जैसे मुझे आगे खींच रहा है। और कई जो उलझन है वो उसे निकाल रहा है, जो हम अपने आप से नहीं निकल सके, समझते हुए नहीं निकल सके, कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो पकड़ के बैठता है, अच्छा बनने नहीं देता है। तो ईश्वरी प्यार ने, तो एक ईश्वर से प्यार, फिर आपस में भी जो हम बहन भाई है, एक परिवार है, गुरु फॉलोअर भी नहीं है, हम गुरु फॉलोअर के जो सिस्टम है ना उनसे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी, परमात्मा कोई गुरु फॉलोअर के सिस्टम में हमको ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं कहते, तो आत्मा अनादि ईश्वर की संतान हो तो समझो, देह के संबंध में दुनिया के वातावरण से लिप्त हो गए हो अभी जानो, तो अंदर से समझ आती है तो प्यूरिटी पीस, फिर जहां से समझ मिलती है उनके साथ प्रेम होता है लव, फिर हैप्पीनेस खुशी एक अंदर से अपने आप, बड़े न खुश होने वाले के कारण आएंगे ना ना, खुशी मेरे पास अंदर की जो समझ की है वो मेरे तो दुख को खत्म करने वाली है गम को, पर और भी कोई गम का चेहरा लिया, अरे गम करने की बात नहीं है तुम खुश रहो, उसमें आ गई पावर पर विजडम। वो हमको प्रम अभी आती हूं, तीसरा जो बोला ना आवाज वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है हम एक दो को रूहानी दृष्टि से मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की बाप की परिवार की एक परिवार है जो बिछड़ गए थे समय की
और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। तो पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है, पीस ऑफ बुद्धि क्यों नहीं कहा जाता है? क्वेश्चन है, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? चाले कोड़े भी क्यों बैठे, सामने आओ। हाँ सामने आओ, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? पीस ऑफ इंटेलेक्ट बोलो ना, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। मेडिटेशन क्यों करते हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए। इसलिए करते हैं ना, चारों तरफ थोड़ा मेडिटेशन के लिए अच्छा सबको लगता है, ज़रूरी है। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ हार्ट भी नहीं चाहते भाई। दिल को चाहिए शांति? नहीं, दिल को चाहिए, दिल को चाहिए प्यार। तो मन को आवे शांति, ऐसे है। हाँ ऐसे मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ेंगे। मन को चाहिए शांति, मन को प्यार चाहिए, मन को चाहिए शांति, फिर दिल को शांति चाहिए। शरीर में आत्मा है तो आत्मा शरीर में बैठे कहती है प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए। दोनों मिसिंग है। मन की शांति आई तो दिल में अच्छा प्यारा की फीलिंग आती है। दोनों मिलकर के बड़े खुश हो जाते हैं, दिल मन। दिल को प्यार मिला, मन को शांति मिली, दोनों मिला तो खुशी आई। और दोनों को कैसे शांति भी कैसे आए, प्यार भी कैसे मिले, उसमें चाहिए सच्चाई, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल ने बहुत फंसा लिया, धोखा दिया, बहुत धोखा दिया है आर्टिफिशियल ने। दिल को भी धोखा और मन को भी भटकना, बहुत भटकना। इच्छाएं बढ़ती रहे, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो जूठ ने फंसा लिया, तो मेरे को बोला बताओ पावर ऑफ ट्रुथ। अच्छा, तो दिल मन दोनों को क्या चाहिए? सच्चाई। सुनते जाओ, फिर कोई क्वेश्चन उठे तो बताना। दिल से पूछेंगे तो भी दिल कहेंगे भाई बहन क्या बताऊं, सच पता नहीं कहाँ है। और ये भी जानते खुद भी झूठ में फंस गए हैं। सोचना, बोलना, देखना, सबके साथ व्यवहार में आना, जैसे दुनिया वैसा खुद बन जाना, अपने विवेक को भी दबा देना। भगवान तो दूर रहा, पर विवेक भी बताता है ये सच है ये झूठ है। इंसान को विवेक है, मन भरे कितना भटके, बुद्धि ने न कर सके, पर विवेक बताता है रॉन्ग है ये राइट है। कॉन्शियस बाइट करता अंदर से, पर उसको दबा देते हैं।
इतना झूठ का प्रभाव है। जिससे लिए पीसा माइंड नहीं है, प्रभाव जिसके ऊपर होगा तो लंदन में भी गुलजार दादी के दिनों में भी प्रोग्राम रखा था, अभी फॉलोअप में भी रखा था। मास्टर एंड योगी, मास्टर फिर है योगी। गुलाम को दुख होता ही है, गुलामी दुख देती है, कितना भी बड़ी बड़ी पोस्ट हुए, पोजीशन हुए, किसके भी अंडर दिखावा कितना भी बड़ा हुए, पर उसके दबाव में चलने में बड़ा दुख है, अंदर दुख है, फ्रीडम नहीं है। सच्चाई से चलने की शक्ति नहीं है, झूठ से छूटने की शक्ति नहीं है। इसलिए खास जो पहले किसी को पता नहीं था मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, दो बातें, मैं कौन हूं तो अपन को थोड़ा क्या समझा, मैं कौन हूं तो इनसे शरीर संबंध दुनिया जो कुछ है इसको यहां कर दो, अंदर जाओ। अगर मुझे सच को जानना है, देखना है, सच्चा बनना है, शक्ति चाहिए। देखने के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा, जाने के लिए भी बाहर की बातों से फ्री होना पड़ेगा। सच्चे को देखना जानना है, कहां से देखेंगे? इन आंखों से देखेंगे? इस बुद्धि से देखेंगे? सारी दुनिया आप लोगों ने देख लिया, हमने भी देख लिया ड्रामा अनुसार। सच्चे को कोई इन आंखों से देख सकता है? इन बुद्धि से जाना जान सकता है? है कोई बैठा हुआ या जिसे इसने बुद्धि से इन आंखों से सच्चे को देखा हुआ हो? देखने की शक्ति नहीं है, जानने की बुद्धि नहीं है, फौरन बुद्धि चली जाती है, बेचारा मन भटकता रहता है। तो बुद्धि एकाग्र होकर के राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उस पर सोचने की भी उसको शक्ति नहीं है। बुद्धि को थोड़ी एकाग्रता चाहिए। सच झूठ को समझने के लिए भी बुद्धि को अंदर बैठ अंदर एकाग्रता चाहिए। अंदर इन आंखों से देखने वाली, इन बुद्धि से जानने वाले, भले आंखें खुली है, पता है क्या है। इसलिए इंटरेस्ट इन आंखों से कहीं यहां बैठे होंगे ना, मन जहां जाएगा आंखें भी वहां बैठी, यहां आंखें नहीं देख रही है। जहां मन होगा ना वहां आंख होंगी, उसको देखने जानने के लिए बैठे होंगे एक जगह, और मन और दिल दोनों इकट्ठे हैं आपस में, शरीर में बैठे। दिल को कुछ दुख पहुंचा है तो मन उसी दुखी है, काम ही बैठा है, दुखी मन बेचारा निर्बल है। परेशान है अभी, उसको अगर सच की इच्छा पैदा हो गई, सच मुझे चाहिए, मन इच्छा दिल को कहता है प्लीज अभी तुम और इच्छाओं को छोड़, है इधर उधर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
चाहिए चाहिए को छोड़, तो मन दिल को समझाता है। अगर सच को जानना है, सच की पावर पहले जानू, सच क्या चीज है, बस अंदर अनुभव करूं सच में कितनी खुशी है, कितनी शक्ति है, अंदर अपने आप को झूठ से फ्री करने के लिए पहला पुरुषार्थ झूठ से फ्री होना। इतनी सब बुद्धि आ जाए, मुझे मन की शांति चाहिए, तो शांति मिलेंगी सच्चाई से, टेम्परेरी शांति नहीं। थोड़ा समय मेडिटेशन किया तो शांति है, फिर देखो वही हाल। बहुत काल का अशांत रहने की आदत है, दुखी होने की आदत है। हमने भी कुछ गलतियां की है, कुछ क्या बहुत कुछ गलती है, अंदर विवेक बताता है तुमने भी कुछ किया है, और जिन्हों के साथ किया है वहां भी मन खुद भागता है, कहता हाँ, पर खींचता भी है वही करने के लिए, फिर छोड़ता भी नहीं है। तो मैं थोड़े टाइम में क्या बता के क्या बताऊं, पर एक बारी अच्छी तरह से दिल और मन का थोड़ा आपस में डायलॉग चले, कहा जाता है सच्ची दिल, ये नहीं है सच्चा मन ना, सच्ची दिल है। बस सच्चाई क्या है दिल, फिर मन को कहते हैं मैं भी बस तू शांत रहो, झूठ से आजा आजा आजा, झूठ से दिल मन आपस में मिल करके झूठ की आकर्षण, झूठ का धोखा, छोड़ने का भय, छोड़े तो कहाँ जाए, व्यक्ति वैभव आधार है, अधीनता है, झूठ में भय भी होता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, छूट भी नहीं सकते हैं। तो पहले अंतर, ये सब बाहर की बातों को जहां से झूठ देखा है, जाना है, धोखा पाया है, धोखा दिया है, फिर आगे चल के बताएंगे अभी नहीं, बहुत जन्मों से किया है, अच्छा किया है तो दिखावा बहुत अच्छा दिखाने के लिए किया है, सब लोगों को दिखा, उसमें अभिमान भरा हुआ है, जहां अभिमान है वहां झूठ है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में सबको ये तो अनुभव हुआ ही होगा, कदम रखते ही या वायुमंडल ही ऐसा है जो और कुछ सोचने देखने का न समय है न है देखने के लिए, माउंटेन सी है और अपने जैसे ही सफेद वस्त्रधारी है, हाँ, और तो कुछ है ही नहीं, हाँ, कहाँ जाए, हाँ, या सच को मैंने भारत से बाहर जहाँ से भाई कोई अच्छी एक बहन मिली थी, का कुछ समय पहले मेरे को अंदर से बहुत लगन थी, बहुत लगन थी, क्या करूं कहां जाऊं, कहा माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, आवाज आता है माउंटेन्स पर जाना है, माउंटेन पर कहां जाना है, माउंटेन्स पर जाना है, रहने वाली है इजिप्ट की, बड़े पोजीशन है, बड़ा सब कुछ, पर अंदर से खींचे मुझे सच चाहिए, माउंटेन्स पर जाना है। तो
माउंटेन्स की खींच ने उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करा लिया। व्हाइट कपड़ों वाला बैठा है, फिर हमको देख लिया। और वहाँ पहले से पोस्टर लगे पड़े थे सारे शहर के अंदर, पीस पावर विजडम, तो दो तीन दिन पहले ही खींच करके बाबा के घर आई थी, कोर्स कर लिया। इतनी खुश, मुझे ये माउंटेन पर जाना है और कुछ नहीं। बहुत प्रसाद किया था, तो हम भी शुरू से ये माउंटेन्स पर क्यों आए हैं, हम दुनिया के आवाजों से दूर, निगाहों से दूर, न देखने की न जानने की है, न इच्छा भी नहीं हो सकती कहाँ जाए, पर खींच होती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। किसको खींच होती है पूछो, किसको खींच होती है? दोनों को, दिल को मन को, दोनों भागते हैं उठ के। कहाँ भी कोई भी देश में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, दोनों कहेंगे हाँ बस फैसला कर लेंगे जाना है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। गलत रास्ते पर जाना है कोई रोक नहीं सकता, अभी अच्छे रास्ते पर जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से रास्ते पर जाना है, सच्चे के रास्ते पर जाना है, सच्चे के रास्ते पर जाना है। वो कैसे शुरू कहां से होगा, स्टेप ये नहीं उठाना है पर अंदर का। संकल्प आया मुझे, संकल्प आते ही मुझे शांति चाहिए, तो शांति मिलेगी सच्चा बनने से, क्या मिलेगा? अंदर झूठ का तलाक असर दिखाई पड़े, ये झूठ है, ये पत्थर है, ये हीरा है, पत्थर इतने मोटे मोटे कितने भी होंगे, हीरा छोटा सा होगा, उसकी चमक वंडरफुल है। दूर से खींचता है, सच है, उसकी वैल्यू है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। बस अंदर से बार बार ये आवाज आएगा, मुझे सच चाहिए ना, दिल कहती है सच चाहिए ना, मन कहे हाँ हाँ मैं भी थक गया हूँ, थकावट है मन को बहुत, बटक बटक कर रहे, थका हुआ है बेचारा, तो दिल साथ देती है, ठीक है राइट है या नहीं बताओ सही। अगर दिल साथ न देवे तो मन बेचारा इतना थका हुआ भटका हुआ, वो कैसे शांति से सोचे मुझे सच चाहिए, दिल साथ देवे। जब दिल साथ नहीं देती है ना, तो ये कर्म इंद्रियां जो है, पुरानी आदतें जो है, वो दिल की भी नहीं सुनती है, आदतें हैं, आकर्षण है, फिर भी खींचोगी ये नाम रूप देह दुनिया, मोटे मोटे है बड़े, परंतु ये महीन है,
उसके लिए पहले पहले ही बाबा हम बच्चों को समझाते थे, बच्चे सच को जानने के लिए बुद्धि विशाल दूरांदेश महीन चाहिए, बुद्धि प्राति बुद्धि, समझा, पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब बुद्धि विशाल दूरांदेश अंदाजा लगाए, गलत क्या अच्छा क्या रंग क्या, राइट, विशाल महीन चाहिए, डीप चाहिए। गहराई में जाएंगे, गहरे में जाते पहले तो अंदर से दिल मन के मदद से बुद्धि को एकाग्र होने की शक्ति आई है, पावर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ पे सच की इच्छा हुई सच को जानने की, तो एकाग्रता आई, दिल मन को बुद्धि ने ठीक कर दिया, है सारी बुद्धि साइलेंस, सारी बुद्धि की कमाल है प्रिय साइलेंस, अंदर जाओ, न का संकल्प जाता है न का इच्छा होती होती है, क्या कर मुझे सच चाहिए ना बस, और कुछ नहीं, जैसे पागल, जैसे पागल कोई होता है ना बस एक ही बात करता है, पहले शुरू शुरू में कि तू पागल हो क्या, हाँ पागल है, मुझे यही चाहिए ना, तो उसको कुछ भी 100 चीजें और दो ना, असम बुद्धि मानेगी नहीं, इच्छा होगी नहीं, मन कभी कैसा कभी कैसा, वो चले मानी डोले मानी छोड़ दी, दो बातें, चले मानी हो जाए फिर से नहीं हो सकता, समझ गया तो न होगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा कुछ नहीं होगा, इतना मेरे से कुछ लोग तुम भय कैसे नहीं, अरे भय काहे का करूं किसका करूं, न होगा तो क्या होगा, ये भी न होगा तो क्या होगा, शरीर भी न होगा क्या होगा, पर न क्या होगा, सच तो होगा, सच तो होगा ना, ये सब न होगा तो क्या होगा, ये हमारे आधार पर चल रहे हैं, न मैं इनके आधार पर हूं, समझा, मैं इनके अधीन नहीं हूं, मैं अधीन हूं तो मेरे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं इनके उनके अधीन हूं, जो सच से दूर करने वाले हटाने वाले, और ये भी हर एक धर्म वाला हर एक इंसान मानेगा गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है, तो भगवान ही सत्य है तो सत्य उसके तक पहुंचना है, तो ये नहीं कहेंगे मनुष्य भगवान है, नहीं भगवान ही सत्य है, भगवान कौन, आंख जाती ऊपर, सत्य ताकत तक जानना है, पहले अंदर जाओ फिर ऊपर जाओ, पहले अंदर जाओ, अंदर जाने की पावर चाहिए, चिल्ले मानी डोले मानी से छूटने की पावर चाहिए, दोनों बातें परेशान करती है, झूठ की बार बार भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने अंदर खींचेंगे,
यहाँ तो डराएंगे इनके बिल, कैसे चलेगा तुम? इतना से दीन बना देते हैं। तो ये एक अंदर से लगन शुरू हो गई, तो अंदर गए, अंदर से लगन शुरू हुई। सच्चा मुझे सच को जानना है, सच्चा बनना है, सच्चा एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। जो मेरा हो जाए तो मैं आत्मा झूठ से फ्री हो जाएंगी। वैसे नहीं, वो शक्ति चाहिए उसकी। सत्य परमात्मा की शक्ति चाहिए आत्मा को। तो पहले आत्मा में अंदर है, जैसे आत्मा ही कहती है वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, आत्मा ही कहती है, शरीर नहीं कहता है। पर शरीर में आत्मा जब दुखी होती है, ये होती है, पाप करती ऊपर जाती है बुद्धि, बुद्धि भी जाती है ऊपर जाती है, पर अंदर से जाती है। ऐसे ऐसे इसको बदल नहीं लेते हैं। कोई इंसान की मदद नहीं ले सकते। जब मुसीबत आती है, दुख होता है और शांति आती है, तो अंदर से उसकी मदद लेने चाहते हैं। मुझे झूठ में फंस गया हूँ, छूटूं कैसे, इसलिए मदद लेते हैं। तो अंदर से आत्मा निर्णय करती है बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि है ना, तो मन दिल ने मान लिया बुद्धि को अच्छी तरह, थोड़ा इसी संकल्प में शुद्ध शांत श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प में सत्य क्या है टीप जाते हैं। तो असल आत्मा, असल निज सत्य स्वरूप है। चैतन्य है ना, सत्य है। परंतु देश मन दुनिया में आत्मा से अमर है, शरीर छोड़ती धारण करती है, पर सत्यता की शक्ति खलास हो गई है, आत्मा से खलास हुई है। शरीर में बैठे विकारी कर्म बंधनों में फंस आदतों के भी मजबूर हो करके, स्वभाव और संस्कार भी ऐसे बन गए। तो आत्मा की निजी सत्यता की शक्ति जो आदि में असल थी, वो खलास हो गई, 1% भी नहीं रही है। अभी लगन लगी है, फिर से रियलाइजेशन हुई है। पहले पहले जब हम बहुत पुरुषार्थ करना शुरू किया था, तो यही अंदर से आवाज, बस अंदर खुद की रियलाइजेशन चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना, सेल्फ की रियलाइजेशन चाहिए। हाँ हाँ जरूर चाहिए, ऐसे ऐसे विचार करते थे। अभी फाइनलम कहते हैं स्वयं की रियलाइजेशन चाहिए। रियलिटी क्या है? उसको जानना भी है, देखना भी है, पाना भी है। न सिर्फ जानना है, न सिर्फ देख करके खुश होना है, पर वो मेरा हो जाए। कोई जवारी की दुकान पर मैं देख करके जवार अच्छे है ही, देख करके खुशी हो गई तो क्या हुआ? अच्छे है, सच्चे है, बरोबर सच्चे है।
तो वो मेरे हो जाए है? इतना ताकत चाहिए झूठ को फेंक सच को लेना, भले कागज के नोट होंगे लेंगे, हीरा छोटा होगा, कागज के नोट कितने होंगे, लाखों देंगे तो हीरा छोटा होगा, झूठ कितना देखा फेंक सच को ले, फिर ये चमकने लग पड़ता है। क्योंकि अंदर से और सब इच्छा भी गई तो ममता भी गई, दोनों गई। एक इच्छा होती है चाहिए, दूसरे जो चाहिए ना उसमें ममता भी है, छूटने जाए। अब ये भी रियलाइजेशन चाहिए, इच्छा भी मर जाए ममता भी छूट जाए, भले सब चला जाए। यहां पर छोड़ नहीं देते, उसको सफला कर देते हैं, सफल ही हो जाए, पर मेरापन न रहे। मेरा होगा तो पकड़ के बैठेंगे तो सच आएगा नहीं। हम कहेंगे इसको पकड़ के बैठूं और सच को जानूं, इम्पॉसिबल है। मैं कौन हूं, अंदर जाऊं, मेरा क्या है। इसलिए हाथ सदाई ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे रखो तो क्या कितना समय पकड़ के रखेंगे। कोई चलते चलते हमको कोई पकड़ लेवे तो कितना डर लगता, भाई क्या अब कैसे छूटूं। तो अंतर मन से जो इच्छा ममता की मन में को पाने की और उसमें फंसने की, संकल्पों को देखो कौन सा होता है, पाने की तो उसमें फंसे रहने की। अगर मुझे सच को जानना है तो न मुझे चाहिए, अगर है तो मेरा नहीं है, फ्री। तो अंदर से अपने आप को फ्री रखें तो अंदर जाएंगे, असल बुद्धि जाती नहीं है बाहर। ये डिफरेंट फर्क पड़ गया है तो भी ओके है। ये दिल, ये दिमाग, ये दृष्टि बदल गई है, सच देखने की, सच जानने की, सच पाने की भावना पैदा हो गई है। देना है तो ये, लेना है तो ये, कहां से लाया, लगन से, परमात्मा बाप के संबंध से समझा, वो सत्य है, वंडरफुल है वो। पर अंदर से मुझे सच को जानना है तो जूठक से फ्री हो गई ना, तो अंदर आत्मा फ्री होने से ऊपर वाले से योग लगा, कनेक्शन जुटा। बड़ी बड़ी सभाओं में आजकल पूछते हैं तुम्हारा मेडिटेशन क्या है, अच्छा सुनो मेडिटेशन क्या है। पोलैंड में गई थी, वंडरफुल, इतने सब हमारे समझते थे भाई ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कर रही है, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बातें कर रही है, पर सब। अब 5 साल कुछ सेवा करने नहीं दिया, अभी तो बिल्कुल बड़े प्यार से सुन रहे थे भाई। भगवान सबका एक सत्य है, उसका प्यार सबके साथ एक जैसा है, हर आत्मा के साथ। वो देखता ही नहीं है हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। मेडिटेशन माने ही क्या है, तुम एक के रहो, एक के साथ रहो, हम सब उस एक के साथ उनसे पाएं
लाइट मिले, माइट मिले, लाइट मिले, लाइट माना ऐसे नहीं रोशनी मिले, बस समझ मिले, मेडिटेशन माना समझ मिले, शक्ति मिले, राइट पर चलने की शक्ति। जब रास्ता सच्चा साफ चलने के लिए मिलता है, फिर रूट चेंज करने का मतलब, बुद्धि का और तरफ जाने का मतलब, कौन लेके जाता है बुद्धि को? समझ की कमी। मुझे सच्चे के रास्ते पर जाना है, सच्चाई से जाना है, और अंदर गहराई में थोड़े समय के लिए भी डीप जा करके विचार करते हैं, अनुभव भी करते हैं, विचार भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, सच्चाई में शक्ति होने के कारण शांति आई है। ऐसे नहीं आई है शांति, सच्चाई की थोड़ा सा थोड़ा ही है, फिर खींच होती है।